जंग से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन अब और ज्यादा तेज हो चुका है। बीते दिनों ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकलकर गुरिल्ला वॉर किया और फिर छिप गए, और उसके बाद आईडीएफ ने उस पूरे इलाके में हमास की सुरंगों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस दौरान हमास के 15 लड़ाकों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें हमास के कई लड़ाके मार गिराए गए। आईडीएफ ने हमास के 3 वॉच टॉवर को भी नेस्त नाबूद करने का दावा किया है। इसराइल के गुस्से को देखकर अब हमास सहमा सहमा सा नजर आने लगा है। इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों में खलबली मच गई है, और अब वो पूरी तरह से मान चुके हैं कि अगर गाजा में रुके तो मौत उनकी तय है, और इसीलिए हमास गाजा से भागने की फिराक में अब है। हमास के लड़ाकों को लेकर चौंकाने वाली हकीकत एक सामने आई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके अब जंग का मैदान छोड़ करके मिस्र की तरफ भागने में लगे। हमास का प्लान एम्बुलेंस फेल। गाजा से भाग रहे हमास के लड़ाके सुरंग में बना हमास का कब्रिस्तान। सात अक्टूबर को जिस जंग की शुरुआत हमास ने की थी, अब इसराइल उस पर फुल स्टॉप लगाने वाला है। गाजा के जिन सुरंगों पर हमास के लड़ाकों को सबसे ज्यादा भरोसा था, अब उन्हीं सुरंगों में बारूद भरकर इसराइल उन्हें मौत की नींद सुलाने वाला है। इसराइल की सेना इस वक्त गाजा सिटी में घुसकर हमास के लड़ाकों का काम तमाम कर रही है। पिछले 24 घंटे से गाजा सिटी में आमने सामने की जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके और कमांडर अब सड़कों पर नहीं बल्कि सुरंगों में छुपकर बैठे हैं। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके अब गाजा छोड़कर मिस्र की तरफ भागने लगे हैं, और इसके लिए घायलों को मिस्र ले जा रही एम्बुलेंस का सहारा लिया जा रहा है। खबर है कि हमास अपने लड़ाकों को गाजा पट्टी से निकालने में जुटा है, इसके लिए वो मिस्र जाने वाली एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के वरिष्ठ नेता और हमास के लड़ाके युद्ध में इजरायली सेना को चकमा देने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास के लड़ाके शुरू से ही इसराइल के हमलों से बचने के लिए स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी दावा किया है कि गाजा से घायलों को इलाज के लिए मिस्र भेजने के बहाने हमास अपने घायल लड़ाकों को एम्बुलेंस से मिस्र भेज रहा है। अमेरिका ने यह दावा मिस्र भेजे गए घायलों के लिस्ट की स्टडी के बाद किया है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में एक तिहाई नाम हमास के लड़ाकों के थे, जिसके बाद इसराइल ने ऐसे वाहनों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। कल ही इसराइल के लड़ाकू विमान ने एक एम्बुलेंस से ऑपरेट कर रहे हमास के आतंकियों को मार गिरा, जिसके बाद इसराइल की सेना ने एक बयान में कहा कि हमास का एक आतंकी सेल एम्बुलेंस से अपनी गतिविधियां चला रहा था, जिसे लड़ाकू विमानों ने नष्ट कर दिया।